मैं मिलवाता हूँ ना, मैं मिलवाता हूँ कोयना से। आजा इधर 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 कोयना, इधर इधर बैठ। राजू तुम ये क्या कर रहे हो? देख मैं कुछ नहीं। और इसे यहाँ क्यों लेकर आए? मैं थोड़ी लेकर आया हूँ कि मैं तो इसको ढूंढते ढूंढते यहाँ पर पहुंचा हूँ। पता नहीं यार कैसे पहुंच गई, कोयना कोयना करते हुए कहीं भी पहुंच जाती है। अगर ये भाग गई या कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार है? तो मैं थोड़ी ना जिम्मेदार हूँ जी, मैं तो सारा दिन इसी के पीछे पड़ा रहता हूँ, ये मेरे हाथ में नहीं आती। और मैं किस किस की जिम्मेदारी लूंगा मुझे बताइए आप। अभी मैं जो कह रही हूँ वो करो, उसे अंदर वार्ड में लेकर जाओ। हेलो, उसे अंदर वार्ड में लेकर जाओ। हाँ मैं लेकर जा रहा हूँ जी वार्ड में से। चल खड़ी हो, तब तक ढांढ पटवाती रहती, मैं ले जा रहा हूँ जी अंदर। चल चल उधर। और चिकन तो रखा नहीं। हेलो नमस्ते जी, और उसके बाद कर देंगे। तैयारी हाँ यार तैयारी हो रही है, तो जाके देखना अंदर। नमस्ते, आइए आइए अंदर आइए। हेलो नमस्ते, तू जाके देखना, मैं हूँ यहाँ पे। तुम क्या कर रही थी बेबी? बेबी आज पूजा है, तुम्हें तो यहाँ रहना चाहिए ना। पता है मुझे, बकबक मत करो ज़्यादा। तुम तैयारी हो गई पूजा की। पूजा के लिए कौन बैठेगा? आप बताइए किसको बैठना चाहिए। नए घर की पूजा है, वैसे तो घर के मालिक को पूजा पर बैठना चाहिए। हाँ मालिक की अनुपस्थिति में घर का कोई भी सदस्य बैठ सकता है। तो जमाई राजा बैठ जाएंगे ना। जमाई राजा, जमाई राजा आइए आइए, आपकी बहुत जरूरत है यहाँ पर। अच्छा बेबी तुम भी बैठ जाओ ना। अरे चप्पल तो उतारो। उतार रही हूँ। क्या बोल? जमाई राजा पूजा हो रही है, तुम बैठ जाओ ना। इस पूजा में मैं नहीं रघु बैठेगा। बैठ रघु बैठ। अरे नहीं श्याम, एक ही तो बात है, तू बैठ जा। अरे नहीं बाबा, इस पूजा में तुझे और भाभी को बैठना है। मैं भाभी को लेकर आता हूँ। भाभी भाभी एक मिनट जरा आएंगे अपने साथ। सॉरी यार, बैठे आइए इधर। आप दोनों को पूजा के लिए बैठना है। अरे शाम क्या फर्क पड़ता है, तू बैठ जाना। देख रत्ना भी इंतजार कर रही है। ओहो ये मेरी बात नहीं समझ रहा मामे। शाम हमें और तुम्हें कोई फर्क है क्या? तुम और रत्ना भाभी। शाम तुम क्यों इतनी जिद कर रहे हो? जब ये लोग इतना कह रहे हैं तो मान क्यों नहीं जाते? रत्ना मेरी बात समझने की कोशिश करो, इस पूजा में घर के मालिक का बैठना जरूरी है। श्याम घर के मालिक वो होते हैं जो घर में रहते हैं। तुम भी तो हमारे साथ इस घर में रहने वाले हो, इसलिए तुम भी इस घर के मालिक भी हुए। वो सब ठीक है भाभी, लेकिन जमाई राजा अच्छे दोस्त की किसी बात को इनकार नहीं किया करते। अब पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है, बैठिए बैठिए। सोच क्या रहे हो श्याम, बैठ जाओ ना। रत्ना तुम भी बैठ जाओ। फोटोग्राफर आइए आइए, एक अच्छी सी तस्वीर खींचो। ओम श्री गणेशाय नमः, प्रारंभे निरविघ्नमस्तु, वसुदेवसुतं देवं कंसचाडूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम चत्वारि शृंगात्रयो अस्य पादा द्वे शीरके सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धोग्रकभोरोरवीति महो देवो मृत्यान् आविप्रोरवीति महो देवो मृत्यान् आविवेश। ओम ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषीमतः सुरुजो वेन आवः संज्ञा उपमा अस्य विष्ठाः शतश्च जोनिम शतश्च विवाः।
वेटर। ऐसे ही काम करती रहोगी या कुछ खाओगी पियोगी भी? ले लो। नहीं नहीं साहब। साहब अब तो तुम्हें पीना ही पड़ेगा। अरे अपने सेहत का ख्याल रखा करो। कुछ खाओगी पियोगी नहीं तो काम कैसे करोगी? ले लो पी लो। नहीं पी लो, शर्माओ मत, पी लो। ये हुई ना बात। क्या नाम है तुम्हारा? शोभा। शोभा कहाँ रहती हो? आनंद नगर चाल में। तुम्हारा मरद दारू पीता होगा? नहीं। तो तुम्हारा ख्याल नहीं रखता होगा? ये बात नहीं है, ख्याल तो रखता है। तो फिर तुम इस तरह दूसरों के घरों में काम क्यों करती हो? काम करने में कोई बुराई है साहब? आज के जमाने में अकेले मरद की कमाई से काम नहीं चलता है। तो तुम ठीक रही हो। लेकिन जब भी मैं तुम जैसे औरतों को इस तरह काम करते हुए देखता हूँ तो बहुत तरस आता है मुझे। क्यों, इसमें तरस की कौन सी बात है? मेहनत का मुआवजा नहीं मिलता ना। लेकिन तुम फिक्र मत करना, मैं किसी की मेहनत बेकार नहीं जाने देता। मैं किसी का हक रखता हूँ। मैं भी दूसरों से ही उम्मीद रखता हूँ। अरे पंडित जी, आपने मिठाई तो ली नहीं। क्या आपकी मिठाई दक्षिणा हो गई? हाँ। नमस्ते। संभाले नहीं समझ रही, आखिर अपने घर का सपना पूरा हो ही गया। पूरा तो होना ही था, इस सपने को पूरा करने में आपने कितनी मेहनत की। अगर तुम मेरे साथ नहीं होती ना शारदा, तो इन सपनों को पूरा होने में ना जाने कितना समय लग जाता। कैसे सपने? आपके सपने से मेरा भी तो रिश्ता है। सपनों से भी और हकीकत से। घर में इतने सारे मेहमानों को देखकर बहुत खुशी हो रही है। वो तो है। अरे शारदा रघु। अरे माया जी आप। तुम दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो नेगर। शुक्रिया। माया जी आपने तो आने में बहुत देर कर दी। हाँ वो रास्ते में आप लोगों के लिए ये खरीदने लगी थी ना, अब इसकी क्या जरूरत है? ये सब तो मेहमान करते हैं, आप दोनों तो अपने हैं। वो सब छोड़िए, पहले अपना घर दिखाइए। हाँ हाँ वो भी दिखा देंगे, पहले कुछ खा पी लीजिए। एक मिनट बेटा, बेटा लघु अंकल कोई ना कहीं दिखाई नहीं दे रही। कोई ना हॉस्टल में, उसकी परीक्षा चल रही है, वार्डन ने आने की इजाजत नहीं। यहाँ ला। आपने? अरे भाभी, भाभी आपको लीलावती जी ढूंढ रही है। अरे आपको कब आए? इनका कब से हम लोग इंतजार कर रहे थे, अभी आए। आपने ये हमारा घर देखा? नहीं नहीं देखा, आइए मैं दिखाता हूँ। आइए आइए देख लीजिए। रघु क्या बात है? हाँ बताओ तो सही, बात क्या है?
कोयना की याद आ रही है। अरे बेबी, तुम तो अपने दोस्तों को कुछ खिला पिला नहीं रही हो। एक मिनट बेटा, आ जाओ, दे दो इनको। लीजिए लीजिए, मैं आप लोगों के लिए गर्मा गर्म समोसे भिजवा रहा हूँ अभी। एक मिनट। हर कैसा लगा? वेरी नाइस, फैंटास्टिक, बहुत अच्छा। और ये जानकर और अच्छा लगा कि तुमने बिना लोन के घर बनाया। लोन लेकर तो सब घर बनवाते, अगर मैं भी लोन ही लेकर घर बनवाती तो उनमें और मुझमें फर्क ही क्या रहता। हाँ, इतना आसान नहीं था ये सब कुछ। अरे सब काम मैंने खुद किया, रात दिन खड़े होकर। ये दीवारों की कलर स्कीम ये खुद मैंने चुनी, ये मार्बल मैंने लगवाया, वो खिड़की दरवाजों की लकड़ियाँ वो भी मैं लेकर आई। अरे सारा काम दिन रात खड़े होकर करवाया मैंने। अब शारदा के पास कहाँ टाइम था इस सब के लिए, वो तो बिजी थी फैक्ट्री में। और रघु उसको कहाँ समझ है इस सब की। ये लिए चुनौती थी समझो, इसलिए मैंने सब कुछ कर दिखाया। परेशानी तो बहुत हुई, लेकिन सुकून इस बात का है कि घर हो गया अपना। रत्ना, एक मिनट से इधर। अभी आती हूँ। क्या बकवास कर रहे हो अपने दोस्तों से? आखिर तुम जताना क्या चाहते हो? मुझे तुम्हारे इस सवाल का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। कम से कम रखो। शाम जरा इधर आना। जाओ, जाकर चाकरी करो अपने दोस्त की। अरे तुम लोग ऐसे ही क्यों बैठे हो, कुछ खा पी क्यों नहीं रहे? लल्लू, धीरे धीरे चलेगा तो काम कैसे चलेगा? हाँ, सब ठीक तो चल रहा है ना? एक काम कर, उस कमरे में रत्ना मैम साहब और उनकी सहेलियां बैठी हैं, उन्हें दे देना ये सब। वेटर, भाई साहब, माना के माल बेगाना है लेकिन पेट तो अपना है। ज्यादा पीने से पेट में गड़बड़ हो जाएगी। पी मैं रहा हूं, तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? हा? मैं तो आपके पेट के बारे में सोचकर कह रहा हूं भाई साहब। भाई साहब, क्या मैं तेरा भाई लगता हूं? अपनी औकात में रह और एक बात कान खोल के सुन ले, ना ये माल बेगाना है, ना ये घर, और ना ही इस घर में रहने वाले, समझा? तेली का तेल जले और मशालची की जान जले। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है, चल घर, चल फुट। भाग दौड़ के मॉल में मेहमानों का ख्याल रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ कोई मेहमान नहीं है शारदा, सभी तो अपने हैं। हाँ, लेकिन जब अपनों को घर बुलाया जाता है तो वो मेहमान बन जाते हैं, या फिर यूँ कहिए कि हमारा उनकी तरफ फर्ज और बढ़ जाता है। इन बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दो, सब ठीक चल रहा है। हाँ। शारदा, शारदा क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है। या बैठो बैठो, आहिस्ता, आराम से, आराम से बैठो। घबराओ, सब ठीक हो जाए। शाम, शाम,
शाह क्या हुआ? अरे भाभी क्या हुआ? भाभी तुम जाओ टैक्सी लेकर, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। मैं अभी रघु 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 जल्दी आओ। आंटी आंटी क्या हुआ? आंटी माँ क्या हुआ? माँ जी शारदा को दर्द हो रहा है, उसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। अरे शारदा शारदा उठो 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 उठो, किसी को टैक्सी के लिए भेजा। हाँ वो शाम गया है, आराम से शारदा ठीक हो जाओ। शारदा चलो हौसला रखो, आराम आराम से चलो चलो दरवाजे की तरफ चलो, सब ठीक हो जाएगा। आ जाओ शारदा आ जाओ, आ गई टैक्सी, आ गई टैक्सी, आ गई टैक्सी, आ गई। बस 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 जल्दी जल्दी हटो 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 यार, संभाल के भाभी। शारदा कुछ नहीं होगा, शारदा डरो मत, रघु इसे बिठा, आराम से आराम से आराम संभाल। एक मिनट, तू कहाँ जा रहा है? शारदा के साथ? अरे लेकिन मेहमानों कौन देखा गया तो फिर संभालो शारदा, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, कुछ जरूरी काम है तो फोन कर दे। कोई 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 बात नहीं, मैं हूँ ना, चिंता मत कर, तेरे को फोन करता हूँ मैं। चलो चलो बचना, अगर कुछ जरूरी मैं फोन करता हूँ। भाभी भाभी आप शारदा शोभा देखो मैं क्या लाया हूँ, मैंने कहा था ना मैं किसी की मेहनत बेकार नहीं जाने देता। अब देखो तुम इतनी मेहनत कर रही हो इसीलिए तो मैं लाया हूँ। अरे छोड़ो भी, खा लो खा लो। अरे गर्मा गर्म पकौड़े समोसा मिठाई अरे काम करने के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है हाँ साहब कोल्ड ड्रिंक लेंगे? अब नहीं नहीं, जाना से तुम कोल्ड ड्रिंक कुछ नहीं चाहिए, जा जाओ। अरे वक्त दे वक्त चले आते हैं हाँ ये लो शोभा, मैं अपने हाथों से अपनी शोभा को ये थोड़ी सी मिठाई। क्या बात है, अब ये गरम गरम समोसा, हाय हाय क्या बात है मजा आया अरे इतना कोई मुश्किल नहीं है घर बनाना, तुम ऐसा करो ना, तुम लोन के लिए अप्लाई कर दो। अरे बैंक से मैं बात कर लूंगी और जो कोशिश ओह ओ अरे भैया सुनो, जरा किसी को कहके ये साफ करवा दो। वैसे शारदा के जाते ही सारा मजा किरकिरा हो गया। वो कैसे? अरे जब से वो हॉस्पिटल गए हैं सब लोगों के मुंह जो यहाँ उतर गए, बताओ। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान करे सब ठीक हो जाए दीपा। अंकल माँ और आंटी के साथ आप चले गए होते? अरे इतने सारे मेहमानों को घर पर छोड़कर मैं कैसे जा सकता था? मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप साथ चले गए होते तो शारदा आंटी को थोड़ा हौसला होता। शारदा तो वैसे ही हौसले वाली औरत है, और फिर शाम भी तो साथ में गया ना। शाम अंकल यहाँ रह जाते। एक ही बात है दीपा। हेलो। हाँ हेलो रघु। हाँ श्याम, शारदा कैसी है? डॉक्टर्स ने एडमिट कर लिया है। क्या कहते हैं? कहते हैं घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। अभी दर्द है? नहीं नहीं अभी दर्द नहीं, अभी भाभी ठीक है। वैसे डिलीवरी में देर है अभी। कितनी देर? डॉक्टर से पूछा? हाँ मैंने बात की थी, कहते हैं कभी भी हो सकती है वैसे तो, लेकिन तभी 6-8 घंटे के बाद ही। ठीक है श्याम, फिर तू वहीं रहे और श्याम शारदा का ख्याल रखना। अरे ये भी कोई कहने की बात है? अच्छा सुन, तू जैसे मेहमानों से फ्री हो जाए ना यहाँ आ जाना, ठीक है? ठीक है ठीक है, मैं रखता हूँ। अच्छा श्याम। अंकल आंटी कैसी हैं? अब ठीक है दीपा। आप कब जा रहे हैं हॉस्पिटल? बस थोड़ी देर में ये सब हो जाए, मैं भी साथ चलूँ। अच्छा चल। तुम लोगों को क्या लगता है घर बसाना और उसे ठीक से रखना कोई आसान काम है? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अरे
अगर पति पर बस ना हो तो घर में कोई कंट्रोल नहीं रहता। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, दासे सारे हस्बैंड काबू में आ जाते हैं। अच्छा तुम्हारे पति जरूर ऐसे होंगे जो तुम्हारे इतनी जल्दी काबू में आते होंगे।